बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मिनाल। और मैं हूँ सारा। आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। सबसे पहले आप दोस्तों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। और आज से हम पूरा रमजान सीखेंगे और सिखाएंगे। इस खबरनामे में रमजान से मुतालिक बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी, और आगे चल के देखेंगे कि पाकिस्तानी बच्चे कैसे गुजार रहे हैं रमजान, और आपको सुनाएंगे मुख्तलिफ इस्लामिक शख्सियात की कहानियाँ भी। और अब बाकी की हेडलाइन। रमजान का महीना रहमतों का आगाज, सूरज की हीट से चिकन हुआ ग्रिल, 101 साल बूढ़ा शख्स किसी से काम नहीं, और आपको बताएंगे आड़ू के फवाइद। और अब खबरें तफसील के साथ। दोस्तों, रमजान शुरू हो गया है तो रोजा रखने की तैयारी कर दे शुरू। लेकिन रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि नेकी और परहेजगारी की एक मुकम्मल तरबियत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि परहेजगारी क्या है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। परहेजगारी का मतलब है गुनाहों से बचना, झूठ ना बोलना और नमाज की पाबंदी करना। तो फिर आप भी आज से बुरे कामों से बचें और अच्छे काम करना शुरू कर दें, और इस प्रैक्टिस को रमजान के बाद भी पूरा साल जारी रखें। थाईलैंड के एक 60 साल दुकानदार ने सूरज की शमाओं की मदद से खाना पकाने का तरीका अपना लिया। ये दुकानदार सूरज की हीट से चिकन ग्रिल करता है। इस दुकानदार ने 1000 मूवेबल शीशों की दीवार बनाई, जिसके जरिए वो सूरज की हीट चिकन पर डालता है, और इस हीट की मदद से 12 मिनट में चिकन ग्रिल हो जाता है। वाओ, क्या टेक्निक है! आजकल के बूढ़े बुजुर्ग किसी काम में पीछे नहीं हैं। जी हाँ, 101 साल बूढ़े शख्स ने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इन्होंने 15,000 फीट की बुलंदी से स्काई डाइविंग करके आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की हिम्मत भी कम हो जाती है, लेकिन 101 साल बूढ़े शख्स ने अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम की। At age 101 and 30, and Hayes just fell into the Guinness World Record book, becoming the oldest man to do a tandem parachute jump. अब बात करते हैं आड़ू की। आड़ू गर्मियों का मजेदार फल है। आड़ू को सलाद, जैम और जेरी में भी यूज किया जाता है। आड़ू खाने से फेस रहता है फ्रेश और खून भी बनता है। आड़ू में विटामिन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए हमें आड़ू जरूर खाने चाहिए। Because if freestone, meaning if the pit comes out easily, freestone, you want freestone peaches. These are eastern peaches, now in season. So then you pop that other seed out there. आड़ू तो मेरा फेवरेट फल है। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आईडी पर हमें मेल करें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज बच्चों के खबरनामा पर। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ आज के खबरनामे का वक्त खत्म हुआ जाता है। बच्चों को बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है, तो देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।